गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सुनील कुमार, ये स्लाइड दिख रहा है क्या? यस सर। चलो ठीक है, तो चलो 5-6 मिनट हो चुके हैं, जिन जिन लोग को आना था वो आएंगे और बीच में उनको इनकमिंग कर देंगे। तो आज मैं इसके पहले जो ब्रेक वाला चैप्टर है मैंने आप लोग का स्टार्ट किया था, तो ब्रेक वाले चैप्टर में मैंने टॉर्क कैपेसिटी ऑफ द ब्रेक मैंने बताया था, जिसमें MT इज इक्वल टू ई अपॉन थीटा का यूज होता है। तो वो जो उस पर बेस्ड मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए थे, तो उसके लिए MT इज इक्वल टू जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है उसके लिए एनर्जी अपॉन थीटा की जरूरत पड़ती है। और जो एनर्जी है उसके लिए हमको, अगर मान लो अगर कोई वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा है, V1 वेलोसिटी से लेकर इनिशियल से लेकर के फाइनल वेलोसिटी अगर V2 है, तो उस सिचुएशन में हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ m V1² - V2² लेते हैं। उसी के साथ साथ मान लो अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर वहाँ कंसिस्ट हो रही है, अगर होइस्ट है और होइस्ट को अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं उस सिचुएशन में हमको जरूरत पड़ रही है, तो हम वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी MGH को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों एनर्जी को ऐड करके जिसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग है, मान लो जैसे एप्लीकेबल हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करके, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते हैं तो टोटल एनर्जी निकल जाती है। और एनर्जी को हम वहाँ पर अगर मान लो थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमको टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी मिलती है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 2 टॉक आपको बताया था जो इनिशिएट किया था मैंने ब्रेक के चैप्टर को पढ़ाने से पहले। आज के चैप्टर में मैं आपको ब्लॉक ब्रेक विद शॉर्ट शू बताने वाला हूँ। ब्लॉक ब्रेक विद शॉर्ट शू ये जो दिख रहा है,
होता क्या है कि स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, होता क्या है कि एक ब्लॉक ब्रेक जो होता है ये कंसिस्ट होता है, यहाँ पर देखो एक सिंपल ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पर एक ये जो एक लीवर है, ये लीवर यहाँ पर है जो फिक्स है यहाँ पर ये लीवर, और इस लीवर में ब्लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक जो है जिसमें आपका फ्रिक्शन लाइनिंग अटैच है, और उस यहाँ ये जो लीवर है ये नीचे है और इसके ऊपर में आपका यहाँ पर जो है ये एक ब्रेक ड्रम रोटेट हो रहा है। तो ये जो आपका जो ब्रेक ड्रम रोटेट हो रहा है यहाँ पर जो है ये लीवर के थ्रू, इसमें ये जो ब्रेक जो है यहाँ पर पी फोर्स, यहाँ पर इसके एक एंड में लीवर के एक एंड में जो है यहाँ पर पी फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो ये जो अटैच किया हुआ जो ब्रेक ब्रेक ड्रम है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, ये जो ब्लॉक और जो ब्रेक ड्रम के बीच में जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो ये जो ब्रेक ड्रम जो है जिसमें जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के थ्रू होता क्या है कि जैसे ही ये जो फ्रिक्शन अप्लाई हो जाता है ब्लॉक और ब्रेक ड्रम के बीच में, तो वहां पर जो ड्रम का रिटार्डेशन होता है, आपका जो स्पीड है वो जो ड्रम की वो कम हो जाती है, रिटार्ड हो जाता है स्पीड जो उसका जो है जो वो वेलोसिटी जो है वो उसकी थोड़ी रिटार्ड हो जाती है, तो ड्रम जो है वो रोटेट होने से थोड़ा सा कम स्पीड में हो जाता है। और ये जो इस प्रकार का जो जो आपका जो ब्रेक है वो कॉमनली आप देखे होंगे रेलवे ट्रेन में, रेलवे का जो ट्रेन है उसमें आप देखे होंगे इस प्रकार का ब्रेक यूज किया जाता है। तो ये देखो ये ब्रेक का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर जो एक लीवर है उसके एक एंड पर पी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, और ये जो आपका जो ब्रेक ड्रम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इसके बीच में देखो यहाँ पर एक ये जो लीवर है और इस ब्रेक ड्रम के बीच में यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, और ब्लॉक और ब्रेक ड्रम के बीच में फ्रिक्शन लाइनिंग है। तो ये जो ब्लॉक और ब्रेक ड्रम के बीच में जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, या कहीं कहीं पर फ्रिक्शन लाइनिंग यूज हो सकती है, नहीं तो कहीं कहीं पर ये ब्लॉक ही जो होता है वो पूरा जो फ्रिक्शन डेवलप कर देता है इस ब्रेक ड्रम को रिटार्ड होने के लिए। तो ये जो जो ब्लॉक है वो ये या तो रिजिडली अटैच होता है इस लीवर में, ये जो दिया हुआ है जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये छोटा सा जो ये ब्लॉक दिख रहा है वो ये ब्लॉक, ये जो शॉर्ट शू जो है, इसमें जो शॉर्ट शू लगा हुआ है जो ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक है वो रिजिडली अटैच होता है, या फिर कुछ 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 एप्लीकेशन के थ्रू वो पिवोटेड भी रहता है, कहीं कहीं पर एप्लीकेशन के कुछ एप्लीकेशन के थ्रू वो वहां पर पिवोटेड रहता है, या फिर कहीं कहीं पर वो जो ये जो ब्लॉक होता है वो रिजिडली अटैच होता है इस लीवर के साथ में, यहाँ पर कनेक्टिविटी के साथ में। तो यहाँ पर जो होता है कि एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट की बात आती है, यहाँ पर एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट जो है ये ब्लॉक और जो ब्रेक ड्रम है इसके बीच में, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो दिख रहा है, ये जो आपका जो यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। अगर अगर ये लेस देन 45 डिग्री अगर है जो कॉन्टेक्ट है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पर देखो एक कर्वेचर बना रहा है और ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो इनके बीच में जो पॉइंट जो कॉन्टेक्ट पर जो आपका जो ये जो ब्रेक ड्रम का जो जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर लेस देन 45 डिग्री होता है तो आपका जो ब्लॉक और ब्रेक ड्रम के बीच में जो प्रेशर जो जनरेट होता है, प्रेशर जो जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म प्रेशर जनरेट होता है अगर लेस देन 45 डिग्री अगर आपका यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो। तो ये आपका ब्लॉक ब्रेक विथ शॉर्ट शू यहाँ पर है, ये जो है देखो यहाँ पर सी डिस्टेंस पर यहाँ पर जो ब्लॉक ब्रेक जो यूज हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो लीवर है इसके एक एंड पर पी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके यहाँ पर देखो ये ब्लॉक और इसके जो ड्रम के बीच में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा, एक फोर्स यहाँ पर पी, यहाँ पर देखो ये वर्टिकल यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर एक यहाँ पर म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, और ये जो देखो यहाँ पर देखो ये जो आपका जो म्यू एन का जो यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस है इसकी जो हिंज पॉइंट तक, ये जो हिंज किया गया है लीवर को यहाँ पर देखो ये हिंज सपोर्ट से यहाँ पर फिक्स किया गया है, और ये जो आपका जो ये जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो अटैच होगा अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टली जो यहाँ पर अप्लाई होगा वो यहाँ पर जो होगा उसके और लीवर के जो फिक्स पॉइंट है इसके हिंज पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सी है। और मान लो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल फोर्स यहाँ पर एक्ट होगा, अगर मान लो यहाँ पर जो ब्लॉक है और जो ब्रेक ड्रम है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में नॉर्मल फोर्स भी जनरेट होगा, तो नॉर्मल फोर्स और ये जो हिंज जो हिंज जो है ये इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए से डिनोट किया जा रहा है, और आपका जो वर्टिकल फोर्स पी जो है और जो ये जो आपका जो हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बी है। तो एक बार देखते हैं इस ब्लॉक ब्रेक का जो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर शो कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि फोर्स यहाँ पर ड्रम के फ्री बॉडी डायग्राम का फोर्स जो है यहाँ पर एक्ट हो रहा है ड्रम और लीवर पर, फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर जो लीवर जो यहाँ शो कर रहे हैं,
तो ये देखो ये सबसे पहले तो जो ड्रम है, ये जो ड्रम है ये इस पर जो ब्रेक लगा रहा है यहाँ पर, ये देखो ये म्यू एन जो है, तो जब से जब कभी भी आप ये म्यू एन का डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करोगे, ये आपके लिए मेन बता रहा हूँ। अगर ये यहाँ से देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो इसके अपोजिंग में म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा। ये जो डायरेक्शन जो है इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिंग में म्यू एन इधर लगेगा और इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में नॉर्मल फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर म्यू एन राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जो ब्लॉक पर जो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होगा वो देखो ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सामने ऊपर वाला जो ड्रम है, अगर ड्रम यहाँ पर क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, देखो यहाँ पेंसिल से मैंने इसको रोटेट करते हुए दिखाया हूँ, तो ये पेंसिल के रोटेशन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में म्यू एन काम करेगा। कहाँ पर? ड्रम के लिए। अगर ये ड्रम पर यहाँ पर म्यू एन इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर म्यू एन काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम, इस व्हील के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नीचे के ब्लॉक का म्यू एन फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो म्यू एन है ये जस्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे बढ़ेगा और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में नॉर्मल फोर्स यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे लगेगा। ठीक है, ये वो आपका यहाँ फोर्स का रिजॉल्यूशन। एक फोर्स यहाँ पर कौन सा लग रहा है आपका? पी फोर्स लग रहा है, जो कि यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो लीवर के एक एंड पे ये आपको ऑलरेडी दिखा रहा है। जब ये पी ऊपर की ओर पहुंच लगाया जाता है तो ये जो ब्लॉक है वो ऊपर इससे ड्रम से अटैच हो जाता है और ये जो रोटेशनल जो ड्रम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, तो इसका फ्रिक्शन म्यू एन इस डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में लगता है और ये जो ब्लॉक का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जो म्यू एन जो है वो इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर देखो एन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पर लगेगा। ये फोर्स का रिजॉल्यूशन बता रहा हूँ, कैसे फाइंड आउट करोगे इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपको एक्चुएटिंग फोर्स जो है यहाँ पर जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी ब्रेक के लिए। तो यहाँ पर पी एक फोर्स हुआ, म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स हुआ और ये जो म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पर जो है एन जो है कैपिटल एन जो है वो यहाँ पर तीन फोर्स काम करेंगे। तो पी ऊपर की तरफ, नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ और म्यू एन जो है इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के डायरेक्शन में मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर लगेगा ये। अब ये म्यू एन और इसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आपको यहाँ पर पी को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है तो क्या करोगे आप? जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते थे जिसमें आप देखते थे समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स और टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ करोगे। ये आपका जो ओ पॉइंट है, जो आपका जो हिंज पॉइंट था वो मैंने ओ ले लिया। तो यहाँ पर देखो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमको नहीं मालूम, तो हम इसको क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्स आर वाई यहाँ पर वर्टिकल ऊपर ले लेंगे और आर एक्स हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लेंगे। तो यहाँ पर आर एक्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और आर वाई आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आर वाई आर एक्स और इन सबको कैलकुलेट करके इसमें से आप यहाँ पे ब्रेकिंग एफर्ट पी को फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो ब्रेकिंग एफर्ट पी जो होगा वही इस फोर्स को अप्लाई करेगा लीवर में, ताकि ये जो पी है जितना लगेगा वो इस ब्रेक ड्रम को रोकेगा। तो इस प्रकार से ये ब्रेक का पार्ट है जो आपका शॉर्ट शू के लिए है, ब्लॉक ब्रेक ड्रम के लिए था। तो इसमें कंसिडर करते हैं कि देखो फोर्स एक्ट हो रहा है ब्रेक ड्रम के लिए, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, इसका फॉर्मूला गिवन है फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम के लिए, यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है दैट इज इक्वल टू एम टी इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू आर, जहां पर आपका एम टी क्या है, ब्रेकिंग टॉर्क है, ब्रेकिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू न्यूटन एम एम पर ब्रेकिंग टॉर्क है, जो है ब्रेकिंग टॉर्क जो है आपका एम टी से डिनोट कर रहा है। आर जो है वो आपका रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम है, रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम, अगर ये जो आपका जो ये जो ब्रेक ड्रम है उसका रेडियस है कैपिटल आर में ले लेता हूँ, तो रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम जो है वो एम एम में दिया हुआ है आर कैपिटल आर। म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर म्यू, और एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है यहाँ पर, जो एन है कैपिटल एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैपिटल एन है न्यूटन में। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया म्यू एम टी इज इक्वल टू म्यू एन आर। दूसरा देखो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक अगर हमको डिटरमाइन करने की जरूरत पड़ती है, मान लो अगर हमको डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर देखो आप यहाँ पर कैपिटल एन जो है नॉर्मल फोर्स इक्वल टू पी इंटू एल इंटू डब्ल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो P जो है वो क्या होगा, वो आपका P इज इक्वल टू परमिसिबल प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक हो गया, परमिशन प्रेशर जो है परमिसिबल प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक और ब्रेक ड्रम के बीच में, ब्लॉक और ब्रेक ड्रम के बीच में जो प्रेशर जो अप्लाई होगा, जो बोर होगी लेस देन 45 डिग्री अंदर हम कॉन्टेक्ट रखते हैं तो वहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है, परमिसिबल प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जो परमिशन प्रेशर जो है उसको मैं स्मॉल पी से डिनोट कर रहा हूँ, जो ब्लॉक और ब्रेक ड्रम के बीच में, दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर एम एम स्क्वायर पर। स्मॉल एल जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ब्रेक है, लेंथ ऑफ द ब्रेक यहाँ पर पी एल डब्ल्यू में जो स्मॉल एल है वो लेंथ ऑफ द ब्रेक है, ब्रेक का लेंथ है।
और W जो है वो width of the block है। यहाँ पर W के लिए याद में रखने वाली एक बात आती है, जो width of the block W जो है वो usually 1/4 और 1/2 of the drum diameter के बीच में होना चाहिए। आपका जो small W जो है, ये जो width of the block है, उसके लिए यहाँ पर point to be noted किया हुआ है कि width of the block जो small W है वो यूजुअली 1/4 से लेकर के 1/2 ऑफ द ड्रम डायमीटर के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि विड्थ ऑफ द ब्लॉक जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, आपको न कम न ज्यादा उसके बीच में एक सैचुरेटेड जो एक पॉइंट है वो उसके लिए एक बाउंड्री दी हुई है। तो ये जो बाउंड्री है दैट इज इक्वल टू ड्रम डायमीटर डिवाइडेड बाई 4 से लेकर के ड्रम डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 के बीच में, यानी कि 1/4 ऑफ ड्रम डायमीटर से लेकर के 1/2 ऑफ द ड्रम डायमीटर के बीच में इस W की वैल्यू होनी चाहिए। तो ये है, मान लो अगर आपको इसके अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन हम क्या बोलेंगे, अगर वर्टिकल फोर्सेस अगर डायरेक्शन में लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो देखो यहाँ पर, देखो ये अगर यहाँ पर आर वाई जो है ये वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है, पी जो है वो ऊपर वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है, यहाँ पर देखो आर एक्स जो है हॉरिजॉन्टल इधर लग रहा है, μn उसके अपोजिट में लग रहा है। तो अगर मैं rx को फाइंड आउट करने बोलूंगा तो क्या होगा, rx इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल होगा μn के, ये जो rx है इस डायरेक्शन में, अगर टोटल rx जो फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वेट करने बोलूंगा, तो ये rx बराबर क्या होगा, μn के बराबर हो जाएगा। और वहीं पर आपका जो ये ry अगर मैं फाइंड आउट करने बोलूंगा, देखो ये ry के ry प्लस t That is equal to n. तो ry is equal to यहाँ पर n minus p कर सकते हैं, तो ry भी आपको निकल जाएगा, ये vertical direction reaction force निकल जाएंगे। अब taking moment about O ले लेते हैं, देखो taking moment about O है, तो clockwise direction में लिया गया force negative और anti clockwise direction में लिया गया force positive मान लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो ये anti clockwise क्या है, p into moment about O लेना है, अगर हमको p को find out करना है, breaking effort p को find out करना है, तो मोमेंट अबाउट ओ लेते हैं, तो P इंटू बी हो गया, यहाँ देखो P इंटू बी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये P एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो P इंटू बी हुआ, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए में। फिर म्यू एन देखो, म्यू एन देखो, म्यू एन इंटू सी करेंगे, ये म्यू एन इंटू सी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो प्लस म्यू एन इंटू सी हो जाएगा। माइनस आप क्या है, देखो एन एन बच रहा है यहाँ पर वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है एन रिएक्शन फोर्स जो डाउनवर्ड में या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लग रहा है, तो ये एन इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए, तो ये एन इनटू पॉजिटिव यानी कि माइनस इनटू एन इनटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पी इनटू बी हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, म्यू एन इनटू सी हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और n into a हुआ clockwise direction में, तो n into a को हम negative ले लेते हैं, क्योंकि किसी एक को भी मानो आप, तो आप अगर anti clockwise direction में positive मान रहे हो और clockwise को जो आपका, जो ये जो आपका दिया हुआ है clockwise को negative मान रहे हैं और anti clockwise को positive मान रहे हैं, तो ये anti clockwise में p into b positive हुआ, p into b minus n into a plus mu n into c, ये भी आपका जो है इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो ये n into a जो है clockwise है तो वो negative, बाकी सब जितने भी हो anti clockwise में यानी कि positive, तो ये anti clockwise जैसे positive और clockwise को negative लेंगे, तो यहाँ से moment लेने पर हमको p is equal to a minus, इसको जब solve करोगे ये जो breaking effort p जो force लग रहा है speed जो आपको जो lever पे लग रहा है p is equal to a minus mu c into capital N divided by b हो जाएगा, that is equal to जहाँ पर p जो है वो एक्चुएटिंग फोर्स ऑन द लीवर है, एक्चुएटिंग फोर्स जो लीवर पे लगने वाला एक्चुएटिंग फोर्स है, और यही हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना रहेगा कि जो ये पी कितना लग रहा है कि जो ब्रेक ड्रम को रोटेट होते समय रोक सके, यही पी हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये जो है इसको आप यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट लेकर के फाइंड आउट कर सकते हो, मूवमेंट फाइंड लेकर के हम यहाँ से पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक केस आते हैं, तीन प्रकार के केस है, जब ब्लॉक ब्रेक लगता है तो शॉर्ट शू के लिए, शॉर्ट शू के टाइम पर आपके लिए यहाँ पर तीन प्रकार के केस होते हैं। पहला है a is greater than mu, ये देखो यहाँ पर p मैंने लिखाया निकाला हूँ, इसमें a minus mu c into n upon b है, तो यहाँ पर पहला कंडीशन है a is greater than mu c, a is greater than mu c है। इस केस में क्या होता है कि जो आपका जो एक्चुएटिंग फोर्स p जो है उसके मैग्नीट्यूड को ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई होता है, जब ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है तो ये जो पी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है
उसको ये फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तब जो म्यू जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जब ये ब्रेकिंग एफर्ट पी लगता है, जब पी को आप लगाते हो ट्रेन के उसमें जो जो व्हीकल लगता है, तो जब ये पी अप्लाई होता है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इस पी के मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो देखा गया जो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम से हमको पता चल रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम से हमको क्या पता चल रहा है कि मूवमेंट जो लिया गया है ब्रेकिंग एफर्ट के लिए पी इंटू बी वो एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली और साथ में मूवमेंट जो होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन इंटू सी वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो इस प्रकार का जो ब्रेक होता है उसे हम पार्शियली सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है जो ब्रेक जो है वो यहाँ पर जो पी पॉजिटिव फोर्स पी जो लग रहा है वो उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर पॉजिटिव फोर्स पी जो होता है वो ब्रेकिंग एक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब आप अगर ब्रेकिंग फोर्स अगर आप जो पॉजिटिव फोर्स पी लगा रहे हो जस्ट स्मॉल अमाउंट भी अगर हमको मिल जाता है तो आपका ब्रेकिंग एक्शन लग जाता है। इस प्रकार का ब्रेक जो होता है वो सेल्फ लॉकिंग नहीं होता। अगर मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन म्यू सी, अगर हम कहीं पर निकाल रहे हैं ए अपॉन सी कर देते हैं दैट इज ग्रेटर देन म्यू कर देते हैं, ए अपॉन सी इज ग्रेटर देन म्यू कर देते हैं, अगर कहीं पर हमारा रिजल्ट निकलता है तो हमको उससे ये एक फैक्ट हमको ये मिलता है कि वो जो ब्रेक है वो आपका सेल्फ लॉकिंग नहीं है। मतलब आपको अगर कहीं पूछ लिया क्वेश्चन में कि ब्रेक जो है वो सेल्फ लॉकिंग है या नहीं, आपको जजमेंट करने के लिए बोल दिया, आप a upon c is greater than mu find out करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि जो ब्रेक है वो सेल्फ लॉकिंग को पजेस नहीं करता है, यानी कि जो ये जो ब्रेक है वो सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक है ना कि सेल्फ लॉकिंग ब्रेक है। तो ये आपका केस वन है a is greater than mu c के लिए। अगर आपका a is greater than mu c है तो p फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा केस, अगर यहाँ पर a is equal to mu c consider किया जाए, अगर हम इस केस में अगर हम जो a इज इक्वल टू म्यू सी कंसिडर करते हैं, मान लो अगर a की वैल्यू जो है और म्यू सी की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है तो कैलकुलेट करने पर हमको क्या मिलेगा कि p जो होगा वो इस सिचुएशन में जीरो मिलेगा, p फोर्स यानी कि जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो जीरो होगा। और इस कंडीशन में अगर हमको ब्रेकिंग एफर्ट अगर मान लो जीरो मिलता है, p अगर हमको जीरो मिलता है, तो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी फोर्स वहां पर ब्रेकिंग एक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी फोर्स जो है वहां पर ब्रेकिंग एक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, इस प्रकार का जो ब्रेक है वो सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहलाता है। इस प्रकार का जो ब्रेक होता है सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहलाएगा। मान लो अगर आपको जजमेंट करने के लिए पूछ दिया है a upon c is equal to mu आ जाता है तो आप बोलोगे कि ये जो फोर्स है, ये जो आपका जो ब्रेक है वो सेल्फ लॉकिंग को पजेस कर रहा है, सेल्फ लॉकिंग को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो सेल्फ लॉकिंग ये जो कंडीशन है a इज इक्वल टू म्यू सी वो एक डिजायरेबल कंडीशन नहीं होती है नॉर्मली देखा जाए तो, अगर नॉर्मली एप्लीकेशन में देखा जाता है तो ये a इज इक्वल टू म्यू सी एक डिजायरेबल कंडीशन नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, तथ्य से हमको इस कंडीशन से हमको रिजल्ट क्या निकलता है कि कुछ पॉजिटिव ब्रेकिंग एफर्ट हमको लगाना पड़ता है जो कि ब्रेक लगाने के लिए जरूरी होता है। इसीलिए p की वैल्यू जो है वो आप जीरो नहीं ले सकते, अदरवाइज ब्रेक जो होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ऑपरेटर के हैंडल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ब्रेक। इस कंडीशन में अगर ब्रेक ब्रेकिंग एफर्ट p निकलेगा तो अगर p अगर इज इक्वल टू जीरो आता है तो p इज इक्वल टू अगर जीरो आता है तो इस प्रकार का जो ब्रेक होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसे कंट्रोल में नहीं रहेगा। इस प्रकार के कंडीशन को a इज इक्वल टू म्यू सी पजेस करता है। तीसरा कंडीशन है a इज लेस देन म्यू सी। अगर a क्या होगा, अगर हम a को हम लेस देन म्यू सी कर देते हैं तो अगर हम a को इस कंडीशन में अगर मान लो अगर a को लेस देन म्यू सी कर देते हैं तो एक्चुएटिंग फोर्स जो p निकल रहा है दैट इज इक्वल टू निगेटिव हो जाता है। अगर वो उस कंडीशन में निगेटिव है तो सीधा सीधी सी बात है आप यहाँ पर a अगर लेस देन ले रहे हो म्यू सी से तो म्यू सी के कंपेरिजन में इसको कैलकुलेट करोगे तो a की वैल्यू ये जो p की जो वैल्यू होगी वो a माइनस म्यू सी से होते हुए निगेटिव हो जाएगी। और अगर ये निगेटिव हो जाता है, अगर ये एफर्ट जो है अगर p का वैल्यू जो है निगेटिव हो जाता है तो ये सबसे बड़ा डेंजरस ऑपरेटिंग कंडीशन होता है जो कि अनकंट्रोल्ड ब्रेकिंग को पजेस करता है। ये जो अगर इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग कंडीशन आ गया, अगर मान लो अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो डिजाइन कर रहे हो ब्रेकिंग सिस्टम को और ब्रेकिंग सिस्टम को डिजाइन करते करते समय में मान लो अगर a इज लेस देन म्यू सी आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो डेंजरस कंडीशन जो है ऑपरेटिंग कंडीशन में ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन को क्रिएट करेगा
और इस प्रकार का जो ब्रेकिंग एफर्ट होगा वो अनकंट्रोल्ड ब्रेकिंग एफर्ट को क्रिएट करेगा। इसलिए इस प्रकार से हम यहाँ जस्टिफाई कर सकते हैं कि ए इज लेस देन यू सी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑल द ब्लॉक ब्रेक। तो यहाँ पर जो ब्रेक जो होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर हो जाएगा, ये वाला ब्रेक भी आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो अप्लाई ही नहीं कर पाएगा ब्रेक को वो सिचुएशन में। अगर मान लो ये अगर बी जो है एफर्ट जो है माइनस में चला जाए, रिवर्स जो माइनस कंडीशन में पहुंच जाएगा, अगर मान लो निगेटिव में पहुंच जाएगा, अगर मान लो एफर्ट जो है ब्रेक का जो फोर्स का जो अप्लाइड फोर्स जो है वो अगर निगेटिव पहुंच जाता है, तो उस सिचुएशन में आपका जो ऑपरेटर है वो ब्रेक को ही अप्लाई नहीं कर पाएगा, और उस सिचुएशन में ये जो है ये हमारे लिए डेंजरस कंडीशन को क्रिएट करेगा आपका ए इज लेस देन यू सी। तो ये तीन प्रकार की कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप डिजाइन कर रहे हो ब्रेक सिस्टम। अब आते हैं ये जो आपको जो मैं आपको जो जो डिजाइन एनालिसिस बता रहा हूँ वो एक अजम्पशन के अकॉर्डिंग है, जिसमें ये जो पूरा जो ये जो पहला जो मैंने आपको बताया हूँ ये जो डिजाइन कंसिडरेशन जो बता रहा था, इसमें क्या था कि ब्रेक ड्रम रोटेट हो रहा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेक ड्रम रोटेट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ये आपका कंडीशन जो था एनालिसिस था उसके लिए था। अब यहाँ पर कंसिडर करते हैं, आ जाते हैं, मान लो अगर हम जो ब्रेक ड्रम है अगर यहाँ पर सब कुछ लीवर ब्लॉक ब्लॉक सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ जो ब्रेक ड्रम है जो इस कंडीशन में देखते हैं कि ब्रेक ड्रम जो है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। अब तक ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे थे, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो क्या होगा देखते हैं। होगा क्या, देखो यहाँ पर टी जो है लीवर पर लग रहा है एक एंड पर, ब्लॉक पर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे म्यू एन के डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा तो इसके ड्रम के नीचे में म्यू एन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, नॉर्मल फोर्स अपर अप्लाई होगा। तो जैसे ये म्यू एन का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड ड्रम में अप्लाई हो रहा है, तो ब्लॉक में जो म्यू एन अप्लाई होगा वो राइटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में म्यू एन यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि इसका डायरेक्शन इधर है। देखो ये जो आपका जो ये इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ड्रम रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, तो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में इस ड्रम के लिए यहाँ पर म्यू एन इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, और अगर ये म्यू एन इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तो ब्लॉक के लिए आपका म्यू एन जो होगा वो राइटवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, और एन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन होगा। तो इस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि म्यू एन कैसे किस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर इसके पहले देखो मैं यहाँ पर जो आपको बताया था, यहाँ देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन डायरेक्शन में ऑपरेट हो रहा है, और इसके लिए म्यू एन इसका अपोज करेगा, तो इसके लिए म्यू एन राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, ब्लॉक के लिए नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा, और इस ब्लॉक के लिए म्यू एन जो होगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते समय में ये जो ड्रम है उसके लिए म्यू एन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में रोटेट ट्रेवल करेगा, और नॉर्मल फोर्स जो होगा वो ऊपर लगेगा। वहीं पर अगर जो ब्लॉक है, ब्लॉक के लिए आपका म्यू एन जो होगा वो राइटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस प्रकार से डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर जो आर एक्स जो है, अगर म्यू एन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आर एक्स देखो इसका अपोज करेगा, यहाँ पर देखो लीवर पर यहाँ इन सपोर्ट आर एक्स इधर लगेगा, आर वाई इधर वर्टिकल में इधर लगेगा, इन दोनों पी और लीवर के ओ पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो बी है, नॉर्मल फोर्स और जो ओ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए है, म्यू एन और इस ओ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो सी है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ ले लेते हैं, और इस सिचुएशन में ये पी फोर्स को काउंट करेंगे, म्यू एन फोर्स को काउंट करेंगे, नॉर्मल फोर्स को काउंट करेंगे। तो देखते हैं मोमेंट अबाउट ओ लेते हैं, तो देखो पी यहाँ से मोमेंट अबाउट ओ के लिए देखो पी और इसके बीच का डिस्टेंस है बी, तो P into B जो हुआ देखो यहाँ पर ये यह हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में P into B है तो वो पॉजिटिव, N into A जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो N into A जो हुआ वो नेगेटिव, और म्यू एन इंटू जो ये जो म्यू एन इंटू सी डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा टेकिंग मूवमेंट अबाउट O में, तो म्यू एन इंटू सी जो होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। तो इस प्रकार से जब आप इसको P को कैलकुलेट करोगे इसको तिर्यक गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, जब इसको इधर उधर करके जब आप इसको P को फाइंड आउट करोगे तो A प्लस म्यू सी इंटू एन अपॉन बी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू P होगा। तो इस सिचुएशन देखो इसके पहले वाले कंडीशन में A माइनस म्यू सी निकल रहा था, इस वाले कंडीशन में A प्लस म्यू सी फाइंड आउट हो रहा है। तो यहाँ पर एक तथ्य निकलता है कि पता चलता है कि जब हम ब्रेकिंग एफर्ट जो P को है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पर ही, जो आपका जो ब्रेकिंग एफर्ट पी है वो
डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द ब्रेक ड्रम पर, ब्रेक ड्रम के डायरेक्शन रोटेशन पर डिपेंड करता है कि ब्रेकिंग एफर्ट पी जो होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो एक्चुएटिंग फोर्स जो है या ब्रेकिंग एफर्ट पी जो है वो मोर देन निकलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द ब्रेक ड्रम के। अगर हम ब्रेकिंग फोर्स जो ब्रेकिंग एफर्ट जो आपका जो ये जो है ब्रेकिंग एफर्ट पी जो फाइंड आउट कर रहे हैं या एक्चुएटिंग फोर्स पी बोलो या ब्रेकिंग एफर्ट पी बोलो, ये जो आपका जो एक्चुएटिंग फोर्स पी जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है तो सिचुएशन में ये पी जो है पॉजिटिव आता है। देखो आपको टेकिंग मूवमेंट लेने से पता चल रहा है इक्वेशन से, ये ऑलरेडी ए प्लस म्यू सी आप इसकी वैल्यू जितनी भी आपकी आ जाए वो यहाँ पर देखो अगर पॉजिटिव अगर ले रहे हो सभी सभी को, यहाँ पर ए माइनस म्यू सी वाला प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, यहाँ पर ए प्लस म्यू सी वाला सीधा सीधा यहाँ पर है। तो a प्लस म्यू सी में अगर ये सारे वैल्यू न्यूमेरिकल डिजिट पॉजिटिवली अगर अप्लाई कर दोगे ये p की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगी, यानी इससे पता चल रहा है कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में p जो होता है तो उस सिचुएशन में हमको पॉजिटिव एफर्ट मिलता है, और अगर जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेक ड्रम रोटेट करते हैं तो उस सिचुएशन में p जो है उसमें निगेटिव भी मिल सकता है पॉजिटिव भी मिल सकता है, उसमें वेरिएबल होगा पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो वेरिएबल नहीं होगा, आपका जो होगा रोटेशन जो है उस सिचुएशन में ब्रेक ब्रेकिंग एफर्ट, यानी कुल मिला के कहने का ये कि कंपैरिजन से पता चलता है कि ब्रेकिंग एफर्ट पी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मोर देन होता है क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आते हैं देखते हैं, एग्जांपल वन है पहला देखते हैं, अ सिंगल ब्लॉक विथ अ टॉर्क कैपेसिटी ऑफ 250 न्यूटन मीटर इज शोन इन द फिगर, फिगर में यहाँ पर देखते हैं इसका ये जो दिया हुआ है सिंपल ब्लॉक जो है ये जो दिया हुआ है सिंगल ब्लॉक दिया हुआ है with a torque capacity of 250 newton meter is shown in the figure. The brake drum rotate at the 100 rpm. Brake drum जो है वो 100 rpm पर rotate हो रहा है. Coefficient of friction जो है वो 0.35 दिया हुआ है. Calculate करना है. First, actuating force P को find out करने बोल रहा है. और hinge pin पर जो reaction लग रहे हैं, अगर clockwise rotation हो रहा है drum का rotation clockwise हो रहा है, तब उस situation में find out करने बोल रहा है. दूसरा बोल रहा है एक्चुएटिंग फोर्स पी को फाइंड आउट करने बोल रहा है और हिंज पिन का रिएक्शन फाइंड आउट करने के बोल रहा है अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है ड्रम का, पहले कंडीशन में क्लॉकवाइज रोटेशन, दूसरे कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तीसरा बोल रहा है रेट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एक्शन, रेट ऑफ हीट जनरेटेड बोल रहा है ब्रेकिंग एक्शन के टाइम पर रेट ऑफ हीट जनरेटेड कितना हो रहा है वो फाइंड आउट करने बोल रहा है। फोर्थ बोल रहा है डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक, डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है जहां पर हम एन इज इक्वल टू पी एल डब्ल्यू लिए थे। अगर इफ द इंटेंसिटी ऑफ द पीएलडब्ल्यू में पी प्रेशर जो इंटेंसिटी है बिटवीन द ब्लॉक एंड द ब्रेक ड्रम जो है 1 newton per mm square है, अगर आपका पी का वैल्यू 1 newton per mm square दिया हुआ है और लेंथ ऑफ द ब्लॉक जो है वो ट्वाइस द विड्थ यानी कि एल इज इक्वल टू 2W दिया हुआ है। यहाँ पर पांचवी चीज फाइंड आउट करने बोल रहा है कि स्टेट करो वेदर द ब्रेक इज सेल्फ लॉकिंग है या नहीं, सेल्फ लॉकिंग को पजेस करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम जो डेटा दिए शॉर्ट आउट कर लेते हैं, MT is equal to 250 Newton meter, NRPM is equal to 100 RPM, mu is equal to 0.35, T is equal to 1 Newton per mm square, L is equal to 2W दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये फिगर में दिया हुआ है कि यहाँ पर P लग रहा है इसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ ब्रेक के जो बीचों बीच का डिस्टेंस यहाँ पर P से लेकर के बीच तक का डिस्टेंस 300 है, इसके नॉर्मल फोर्स से लेकर के हिंज तक हिंज पिन तक का जो डिस्टेंस है 200 है, और ये जो आपका जो हिंज पिन लग रहा है उससे लेकर के ब्रेक ड्रम का जो ब्रेक शू ब्लॉक है उसके बीच का गैप कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, बोल रहा रेडियस 200 R है, इसका जो 200 mm इसका रेडियस है। सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं पहले के अकॉर्डिंग की फ्री बॉडी डायग्राम में की क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, दूसरा देख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखो ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो ये जो म्यू एन है ये इसका अपोज करेगा और म्यू एन इस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा, ऊपर ब्लॉक के लिए नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, तो यहाँ पर म्यू एन इसके अगर नीचे का अपोज कर रहा है तो ये जो म्यू एन है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, तो यहाँ पर म्यू एन डिसाइड हो जाएगा कि ये डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर ये ड्रम जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है तो म्यू एन इधर इसके लिए लगेगा, नॉर्मल फोर्स नीचे लगेगा, ऊपर की ब्लॉक के लिए नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, और ये जो म्यू एन है इसको अपोज करने के लिए ब्लॉक पर यहाँ पर म्यू एन जो है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस प्रकार से P जो यहाँ डाउनवर्ड लग रहा है, RX देखो ये म्यू एन इधर है, RX इधर लग रहा है और RY नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, ये म्यू एन इधर है तो RX इसका अपोज कर रहा है और RY इधर लग रहा है, क्योंकि ये P फोर्स को जैसे दबाओगे इस हिंज पिन पर ये RX इधर नीचे जाएगा, इस P को दबाओगे तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा तो ये म्यू एन इधर होगा तो RX को इधर सपोर्ट करेगा,
इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। स्टेप वन में बोल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज फोर्स फॉर हिंज पिन रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ये पहला डायग्राम है, यहाँ पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, एक पी, एक म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स और एक एन काम कर रहा है और रिएक्शन फोर्स यहाँ पर काम कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले एन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो म्यू एम टी अपॉन म्यू आर करोगे 250 और डिवाइड बाई 0.35 200 करोगे तो यहाँ से 3571.4 निकल जाएगा, ये आपका एन निकल गया नॉर्मल फोर्स। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फोर्स कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले टेकिंग मूवमेंट अबाउट हिंज पॉइंट लोगे, हिंज पॉइंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट लोगे तो देखो यहाँ पर ये पी इंटू ये जो आपका जो 500 जो है वो एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पर देखो ये म्यू एन इंटू 50 जो है, यहाँ पर देखो ये म्यू एन इंटू 50 है जो है वो एंटी क्लॉक वाइज तो वो पॉजिटिव, पी इंटू 500 पॉजिटिव और ऊपर का जो एन इंटू जो आपका जो है वो क्लॉक वाइज लगेगा, एन इंटू 200 जो है क्लॉक वाइज लगेगा, एन इंटू 200 क्लॉक वाइज तो वो निगेटिव इज इक्वल टू जीरो। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो पी की वैल्यू 1303.57 आ जाएगा। अब आते हैं आर एक्स और आर वाई निकालने के लिए, तो आर एक्स और आर वाई के टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को एड इक्विलिब्रियम कर दो। ये आर वाई इज इक्वल टू देखो यहाँ पर क्या है एन, तो आर वाई इज इक्वल टू एन माइनस पी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एन ऊपर लग रहा है और पी नीचे लग रहा है और आर वाई भी नीचे लग रहा है डायरेक्शन में, तो आर वाई प्लस पी इज इक्वल टू एन, तो आर वाई इज इक्वल टू एन माइनस पी, तो आर वाई इज इक्वल टू एन माइनस पी हो गया। आर एक्स इज इक्वल टू म्यू एन हो गया, आर एक्स इज इक्वल टू म्यू एन ये निकल गया, आर एक्स निकल गया, तो आर एक्स इज इक्वल टू म्यू, म्यू की वैल्यू 0.35, एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है किससे, एम टी अपॉन म्यू आर से, यहाँ से इससे आर एक्स और आर वाई निकल गया 1250 आर एक्स निकल गया, आर वाई इज इक्वल टू 2267.86 निकल गया ये आर वाई। और अगर हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो जो रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर करेंगे तो उससे आर निकल जाएगा। ये हुआ आपका ये पहला कंडीशन, जब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में निकाल रहे हैं पिंच का तो उस सिचुएशन में फिर टेकिंग मूवमेंट अबाउट हिंज पॉइंट लेंगे, तो आपका ये देखो ये डायरेक्शन है तो ये पी इंटू आपका जो हो जाएगा ये 500, ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ये म्यू एन इंटू ये क्लॉक वाइज में तो निगेटिव और ये आपका एन जो है वो निगेटिव क्योंकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखो माइनस म्यू एन इंटू 50 प्लस पी इंटू 500 माइनस एन इंटू 200, यहाँ से पी इज इक्वल टू 1553.57 निकल जाएगा, ये पी निकल गया। अगर आर एक्स यहाँ पर इक्वलाइज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, आर एक्स इज इक्वल टू आपका देखो ये म्यू एन होगा, तो आर एक्स इज इक्वल टू यहाँ देखो म्यू एन होगा तो यहाँ से निकल गया 1250, आर वाई इज इक्वल टू एन माइनस पी, एन माइनस पी से यहाँ से ये निकल गया। स्टेप थ्री में फाइंड आउट करना था रेट ऑफ द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग एक्शन इनिशियल वेलोसिटी में, तो देखो रेट ऑफ द हीट जनरेटेड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वी वेलोसिटी वी1 फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर 2.094 निकला, फाइनल वेलोसिटी v2 होगी और उसका एवरेज निकालेंगे तो v वेलोसिटी निकलेगा। तो अगर ये रेट ऑफ हीट जनरेटेड फाइंड आउट करना है तो ब्रेकिंग पीरियड जो होगा इक्वल होगा रेट ऑफ वर्क डन के, तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शनल फोर्स और एवरेज वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन जो होगा हीट जनरेटेड के बराबर होगा, यहाँ से म्यू एन इंटू आपको यहाँ से देखो 1.4047 इसको कैलकुलेट करने पर 1308.78 न्यूटन मीटर या वॉट पर सेकंड निकल जाएगा। डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक के लिए नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू पी एल डब्ल्यू और एल जो है वो ट्वाइस दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए थे तो 1 × 2W इंटू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो W इज इक्वल टू 42.26 निकलेगा, 42.6 जो हो जाएगा वो अराउंड फिगर में 45, यहाँ से देखो L इज इक्वल टू 2W दिया था तो 2 × 45 = 90 mm निकल जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा है कि सेल्फ लॉकिंग है कि नहीं, तो A अपॉन C इज ग्रेटर देन U चेक करेंगे, तो A अपॉन C करोगे तो 200 अपॉन 50 करोगे तो यहाँ से 4 मिल जाएगा और 4 इज ग्रेटर देन म्यू से 0.35 से ग्रेटर देन, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे बनेंगे आप लोगों से। आज की क्लास आपको समझ में आई? यस सर। तो ये ब्रेकिंग एफर्ट पर जो क्वेश्चन था ये आपको बनेगा अगर मैं मीट से मैं दूंगा तो? हाँ सर, बन जाएगा एक बार देखने से। चलो ठीक है, तो ये मूवमेंट लेने वाला क्वेश्चन था आपको, इसमें जो था वो मूवमेंट पर बेस्ड जो था ब्रेकिंग ड्रम टॉर्च ट्यूब के लिए जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो बीबी भंडारी में दिया हुआ है, चाहो तो आप ट्राई करोगे। तो आप लॉजिक लगाना ये है कि
अगर आपका रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में तो ड्रम के पास न्यू एंड राइटवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, तो ब्लॉक अगर ऊपर है तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में उसका म्यू एंड हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आप एक बार देखोगे तो बन भी जाएगा, आप लोग बोल भी रहे हो, समझ में भी आ गया क्लास। तो आज के लिए यहीं पर इतना रहने दें।